दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजी अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं आज अलवर अनाज मंडी में और कुछ किसानों से मालूम कर लेते हैं सरसों गेहूँ वगैरह क्या क्या भाव के है। तो दोस्तों मेरे सामने किसान है, सबसे पहले तो नाम बताना अपना, नाम क्या है? जाहिद खान। गाँव कौन सा है? ये कहाँ पड़ता सर? अलावड़ा। अलावड़ा पास। तो क्या लाए अनाज मंडी में आप? क्या लाए अनाज मंडी में? गेहूँ, गेहूँ और सरसों दोनों लाए। गेहूँ कितनी बोरी लेके आए हो? चालीस बोरी। क्या भाव की अपनी? और सरसों 6500। सरसों कितनी बोरी लेके आए थे? 20 एक बोरी 6500। ठीक है, और लैब कितनी आ रही है सरसों में? 40.30 6500 बिकिया। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों चलते हैं, एक किसान और बैठे मेरे सामने, सबसे पहले तो नाम बताना, नाम क्या है? समंदर। कितना बड़ा हो समंदर आप? अच्छा ये बताओ आप क्या लेके आए हो? गेहूँ लेकर। गेहूँ लाया, कितनी बोरी लाए हो? 20 एक बोरी। गाँव कौन सा अपना? कडू की बजमंदर। 20 बोरी। क्या भाव की अपनी? 2185 बिकी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों चलते हैं, एक व्यापारी बैठे, सबसे तो पहले तो नाम बताएंगे अपना। रविंद्र कुमार। अच्छा, क्या आज क्या भाव रहा सरसों का? सरसों का बैलेंस कंडीशन 7,750। आज सरसों के बाजार में तेजी है, और लगभग आवक कितनी है सरसों की? 8-10 हज़ार के। और गेहूँ के, गेहूँ का भाव क्या रहा? गेहूँ का भाव सुबह 90 रुपये, 2180 रुपये के। 2180। अच्छा, और आवक कितनी रही गेहूँ की? ये तो थोड़ा मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं। और चना, चना क्या भाव रहा? चना का भाव समझो समथिंग लूज का भाव जमींदार का 47-47 रुपये। और इसके अलावा ग्वार, ग्वार बाजरा? ग्वार का अप्रोक्सीमेट 5,500 से 6,000। अच्छा, और बाजरा? बाजरा भाव 2,000 रुपये। और इसके अलावा जो रह गया जोगा और भाव? 2600 से 2900। ये अरड़ पहली बार आई है मंडी में? अपने पैर पहली बार आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो अरड़ का क्या भाव रहा है? ये भी 4610। 4610। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं किसान के पास, और सबसे पहले तो नाम बताओ, नाम क्या है अपना? शिशुपाल। गाँव कौन सा है? बीजोपुर। ये कहाँ पड़ता है? चांदोली के पास है। तो आप क्या लाओ अनाज मंडी में? अरड़ लाए हो। तो आपके साइड में अरड़ पैदा होती है? अच्छा, तो क्या कितनी बोरी लेके आए हो? 10-12 बोरी। तो क्या भाव की अपनी? 46-10। तो आपकी एक बीघा में कितनी अरड़ बैठ रही है? वैसे आइडिया नहीं है। चलो आपको, और पानी वगैरह कैसा है बीजापुर में? पानी नहीं है। तो पानी की सुविधा कैसे करते हो आप? तो बोर वगैरह हैं? बोरों में पानी नहीं निकलता? चलो, बीजापुर में पानी नहीं है मतलब हिसाब से। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। दोस्तों चलते हैं किसान के पास, और सबसे पहले तो नाम बताओ, नाम क्या अपना? सद्दाम। गांव कौन सा है? चांदू की है। आप क्या लाए अनाज मंडी में? गेहूँ। कितनी बोरी लाए हो? 50 बोरी। 50। क्या भाव की अपनी? 2200। आपके भी 2200 बिके। और चांदू की में क्या एवरेज बैठ रही है बीघा में? 30-40 मण का बीघा बैठ रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों कुछ किसान और बैठे हैं मेरे सामने, सबसे पहले तो जो बाबूजी बैठे, पहले बाबूजी अपना नाम बताना। गाँव कौन सा है? खारेड़ा। खारेड़ा है। क्या लाओ अनाज मंडी में? गेहूँ लाए हो। कितनी बोरी लाए हो? 30 बोरी। क्या भाव बिकी अपनी? 2200 बिकी है। ठीक है सर, धन्यवाद। और आपकी एक बीघा में गेहूँ कितनी निकल रही है वैसे? एक बीघा में गेहूँ की पैदावार 40 मण हो रहा है। और तूड़ा? तूड़ा 45 मण बैठ रहा होगा? 60 मण। नहीं नहीं, सवा निकलता है तूड़ा? 50 मण मान लो। तो आपकी तूड़ा तो सही निकल रहा है। क्या भाव बिक रहा है तूड़ा? 20,000 का बीघा बिक रहा है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलते हैं एक किसान के पास, सबसे पहले तो पूछ लेते, नाम बताओ अपना, नाम क्या? फखरुद्दीन। गांव कौन सा है? धूलपुरी। क्या लाए अनाज मंडी में? चना लाया। और चना और सिरसों दोनों लाया। चना क्या भाव बिका अपना? चना 4700। चना कितनी बोरी लेके आयो? 6 बोरी लेके आयो। और सरसों? 4 बोरी। क्या भाव बिका अपनी? 6500 बिकी है। धूलपुरी कहाँ पड़ता है? ये चांदोली के पास है। 6500। लैब कितनी आ रही है? लैब चेक नहीं कराई। 6500 भी की आपकी। ठीक है सर, धन्यवाद।